हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से मेरे इस चैनल में। आज की वीडियो आर्ट एंड क्राफ्ट के बेस्ड है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी सोफ़ा, जिसके लिए हमें चाहिए गीज़र के थर्माकोल, जो हमें गीज़र में थर्माकोल मिलते हैं। तो ये देखिए मैंने गीज़र के थर्माकोल को कैसे रखा है। और इसके लिए हमें दो पिल्लोज़ भी चाहिए, पुराने ले लें नए ले लें आपकी मर्ज़ी। और ग्लेस पेपर चाहिए। ग्लेस पेपर को हमने छोटे छोटे बड़े बड़े अलग अलग शेप्स के ट्राइंगल में काटना है। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लेनी है, उसको भी तीन स्ट्रिप्स में काटना है और छोटे छोटे ट्राइंगल इसके भी काटने हैं। तो फेविकम लेना है और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तीन स्ट्रिप्स को इसके साइड साइड पे चिपका देना है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं फेविकम की हेल्प से अब चिपका रही हूँ। तो बहुत ही आसान मैं सोफ़ा बना है और बहुत ही कम समय में ये सोफ़ा बन गया है। ये देखिए मैंने एक स्ट्रिप लगा दी है। अब हम बाकी की दो भी लगा लेंगे। ये देखिए लगा लिए। एक साइड पे हमने नहीं लगाना है, छोटी सी छोड़नी है। तो सोफे की बैक साइड है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लगा रहे हैं। हमें ट्रायंगल लगानी है जहाँ जहाँ पे भी ये खाली सी हमें स्पेस दिख रही है, इसको हमने ट्रायंगल लगाने हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के और ग्लेस पेपर के। आप ग्लेस पेपर कोई भी ले सकते हैं। और ये सोफ़े की बैक साइड मैंने उल्टी लगा दी थी, पर मैंने अभी इसे सीधा कर दिया है। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया है। और अभी हम इसको मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ लगा रहे हैं, स्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि ये और भी मजबूत दिखे। हमने इसमें 5 स्टिक्स का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैसे स्टिक्स लगाई हैं। तो अभी हम इसको भी डेकोरेट करेंगे ग्लेस पेपर के ट्रायंगल से, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने फिर से इसे चेक करने के लिए अभी ये पिल्लोज़ रखे हैं इसमें। तो यहाँ पे हम कूल का साइन बनाएंगे, कूल लिखेंगे और तीन कूल की इमोजीज बनाएंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी ये। ये देखिए हमने कूल की इमोजी भी बना दी है। और ये फाइनल रिजल्ट। अब हमें इसको काटना है हैंडल्स के लिए। अब हमने इसको चिपका देना। ये देखिए फाइनल रिजल्ट्स। ये देखिए ये हमारा मिनी सोफ़ा है। कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप भी बनाएं। बाय दोस्तों।